विधानसभा में पहुंचे राजेंद्र शुक्ल एक लंबी उड़ान भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री का पद राजेंद्र शुक्ल को मिल गया है, उसके बाद से आप देख सकते हैं जिस तरह से यहां पर माहौल है, काफी खुशनुमा माहौल है, समर्थकों का भीड़ है यहां पर, काफी लोग यहां पर उमड़े हुए हैं और अपने नेता को यहां पर इस मुकाम पर पहुंचकर काफी खुशी दिख रहा है। आप जिस तरह से सुन सकते हैं यहां पर पटाखों की काफी तेज ध्वनि सुनाई देती है, साथ ही समर्थकों का हुजूम भी काफी फैला हुआ है यहां पर, लोग इकट्ठा हुए हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कितनी खुशी मिल रही है अभी, जैसा कि आपने सुना कितनी खुशी हो रही है। अत्यंत प्रसन्नता की बात है, ये गौरव की बात है हमारे रिंद क्षेत्र के लिए। मुख्यमंत्री वर्तमान मंत्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, ये उनकी मेहनत का परिणाम है। उन्होंने रीवा को शून्य से हीरो तक लेके आए, जो रीवा एक तहसील प्लेस जिला मुख्यालय माना जाता था, उसको उन्होंने आज खड़ा कर दिया है। और आज को देखते हुए आज मध्य प्रदेश में डिप्टी सी एम बनाया गया है, जिस तरह उन्होंने रीवा का विकास किया है, उस तरह से मुझे लग रहा है पूरे मध्य प्रदेश का विकास होगा। भावनाएं हैं और अत्यंत भिन्न क्षेत्र के लिए गौरव की बात है, खुशी की बात है कि ऐसे व्यक्ति को उन्होंने निश्चित तौर पर जिस तरह से उन्होंने विंध्य में बड़ा काम किया कि यहाँ पर 25 सीटों जीत कर आई भाजपा, उसके ही का परिणाम मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। और जो विंध्य में भैया ने विकास किया है वो विकास अब हम पूरे प्रदेश में देखेंगे। और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जो भैया के साथ पढ़े भी हैं, खेले भी हैं और आज इस मुकाम में पहुंच गया। तो हमारे हर दिन पूरे देशवासियों को जो भैया ने दिया है और आगे पूरे मध्य प्रदेश को मिलेगा, नहीं कर सकता इतना अच्छा विकास मिला। यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरह से कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिख रहा है, काफी खुशी हो रही है। अरे आज हमें इतनी खुशी है कि हम कुछ बखान ही नहीं कर सकते हैं। आज हमारे युवा में डिप्टी सीएम हमारे बड़े भैया राजेश शुक्ला जी आए हैं और बहुत खुशी हुई है हमें, कब हमारा युवा और आगे बढ़ेगा। जय हो भगवान, भैया हमारे जिंदाबाद। हम कहते रहेंगे कि हम मंत्री बनेंगे के मुख्यमंत्री। आप पड़ोसी है, ठीक सामने आपका घर है, कितनी खुशी हो रही है। बहुत खुशी, बहुत खुशी। इतना मतलब कल्पना की अच्छी बात है, विकास विकास उनका हमेशा रीवा में कहा जाता था विकास पुरुष, लेकिन उन्होंने विंध्य के लिए किया, रीवा के लिए नहीं किया, पूरे विंध्य के लिए किया। इसीलिए आज हमारे विंध्य में एक सीट ज़्यादा करके एक 25 सीट हमको विंध्य से मिली है। निश्चित तौर पर ये अमहिया का मोहल्ला है जहाँ पर ये मानिए कि ये इतनी बड़ी सौगात है कि पिछले 18 वर्षों का जो हम लोगों ने कार्यकर्ताओं ने जो ये किया था, आज उसकी सफलता हुई है, आज उसका सही तरीके से परिणाम मिला है। ये मानिए कि ये रीवा के इतिहास में बहुत बड़ी हम लोगों की हासिल हो गई है। जनमानस से लेकर छोटा बड़ा किराना गोमती की दुकान खोलने वाले तक उत्साह मना रहे हैं। असली दीपावली आज रीवा के अरविंद के लोग मना रहे हैं, ये मानिए ये हम लोग के लिए आज सबसे बड़ी दीपावली है और ये बहुत बड़ा पर्व है, बहुत बड़ा उत्साह। बहुत खुशी है, पूरा विंध्य क्षेत्र गौरवान्वित है,
हम सबकी अपेक्षा पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया है। बहुत खुशी का दिन है, पूरा रीवा झूम रहा है, पूरा बिंद गौरवान्वित है। अब हम सब ये मानते हैं कि रीवा महानगर बन जाएगा। माननीय मंत्री जी के डिप्टी सीएम बनाने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री सभी का बहुत बहुत आभार। बहुत खुशी का दिन है, बहुत ही गौरवान्वित है हम लोग। बहुत खुशी का दिन है, बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश में माननीय राजन शुक्ल जी मुख्यमंत्री बनने योग्य हैं, पर हम लोग संतोष कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री से। और हमारे लिए तो आज का बहुत दिन बहुत ही सुखद है और बहुत ही गौरव का दिन है हमारे रीवा के लिए। आज गौरव का दिन है, आभार हम लोग इसका जो है। बताइए कितनी खुशी इतनी मिली कि मन में ना समाए। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। निश्चित तौर पर आपके चेहरे बता रहे हैं कि कितनी खुशी है। ये जैसा कि आप सब जानते हैं, भाजपा में जो विस्तार होता है, पार्टी का नाम नहीं चल रहा है, तो बड़ा धमाका होने वाला था। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, पार्टी के लिए देर आए दुरुस्त आए, रीवा की जनता मांग कर रहे हैं रीवा का विकास। निश्चित तौर पर रीवा के विकास की बात हो रही, कितनी खुशी हो रही है आप विकास और खुशी की, इसकी तो कल्पना मत करिए आप। आभार है प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और राष्ट्रीय नेतृत्व का। रीवा को देर से दिया पर सही दिया। पहली बार ऐसे अवसर मिला कि हमारे रीवा इतनी बड़ी कमाई की है और आगे भी और विकास करें। आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमारे रीवा जिले के सुधार विधायक को। रीवा में ऐतिहासिक जीत हुई है शुक्ला जी की और एक सौगात भी मिल रहा है, बहुत ऊंचा तक ले गया शुक्ला जी ने। और हम यही चाहते हैं और आगे जाने का, पूरे मध्य प्रदेश का नाम शुक्ला जी ने और हमें अवसर दिया माननीय मंत्री जी को।
भगवान भोलेनाथ हनुमान जी, किरोड़ानाथ बाबा जी करौली का आशीर्वाद है और आदरणीय शुक्ला जी का जिस तरह से कार्य के प्रति लगन है, निष्ठा ईमानदारी से काम करते हैं, एक स्वच्छ छवि के नेता हैं, वैसे व्यक्ति को सुशोभित बधाई हो भैया, बहुत बड़ी बात। अभी जयपुर गया था, वहाँ खाटू श्याम महाराज को मैं जब सुमर रहा था मेरी आँख से आंसू निकल रहे थे। ऐसा लगा कि भैया के लिए कोई ना कोई नया सृजन पद लेके आया जाएगा, तब तो भैया की पूर्ति होगी। और आज आप देखिए, मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार उप मुख्यमंत्री का पद सृजन किया गया। ये सत्ता है, ये सृजन मेरे राजेंद्र शुक्ला जी के लिए किया गया था, क्योंकि उसके अलावा उनका पोहता इतना बढ़ चुका है हमारे कार्यकर्ताओं के दम पे, हमारे रीवा वासियों और विंध्य वासियों के कारण, रीवा में इतना विकास, विंध्य में इतना विकास के कारण कि उन पद को पार्टी को सृजन करना पड़ा। और आज ऐसा एक मौका आया कि उप मुख्यमंत्री का पद मध्य प्रदेश में आकर माननीय राजेंद्र शुक्ला जी को उस पद से नवाजा गया। हम सारे कार्यकर्ता इतने प्रफुल्लित हैं, मैं खाटू श्याम महाराज जी का भी आभारी हूँ, महामृत्युंजय बाबा का आभारी हूँ कि हम लोग वहाँ पे जाके उनके चरणों में माथा टेके थे। इस बार भैया का कुछ ऐसा हो कि हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान और मान दोनों बढ़े, और आज उस खाटू श्याम बाबा ने सुन लिया, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2003 में राजेंद्र शुक्ला विधानसभा में पहुँचे थे, उसके बाद लगातार 5 बार विधानसभा में पहुँचे और अब मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाएंगे। ये रीवा के लिए ही नहीं, दिल्ली के लिए एक बड़ी सौगात है, एमपी तक के लिए